लोकल ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया हुआ है पोहा। मुद्दमुक्की देखो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो आप लोग तो थंबनेल टाइटल देख के समझ गया होंगे ना। तो मेरा चैनल 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ गाइस, दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बहुत कम है, और भी बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। दिल से थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग का सपोर्ट से, आप लोग का प्यार से सब्सक्राइब बढ़ गया है गाइस। 10K कंप्लीट हो चुका है, तो मैं भी चाहती हूँ 10K सब्सक्राइब होने के लिए। तो फाइनली हो गया है, दो तीन दिन ऐसा हो रहा है, फाइनली 10K सब्सक्राइब हो गया है दोस्तों कंप्लीट। और क्या ही बताऊँगी गाइस, इतना ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल पूरा बहुत खुश है, मेरा दिल पूरा सुकून मिल रहा है गाइस, फाइनली 10K हो गया है इसलिए दोस्तों। तो ऐसे ही प्यार बना के रखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और उम्मीद करती हूँ बाकी लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे। और गाइस, और दोस्तों आज को ना मैं आप लोगों को ना हमारे खेती दिखाऊंगी। आजकल मैं ना वीडियो नहीं बनाते हूँ क्योंकि मैं खेती काम में बहुत बिजी रहते हूँ, इसीलिए वीडियो बना नहीं पाती हूँ ना दोस्तों। तो बारिश का सीज़न आ गया है ना धान लगाने के लिए, इसलिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, सिर्फ आज को ही वीडियो बना रही हूँ गाइस, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच बोलने के लिए। तो बोल दिया हूँ आप लोगों को थैंक यू सो मच। तो अभी फाइनली मेरा हस्बैंड बना रहा है घर में, जाके आपको दिखाऊंगी ना, लोकल पोहा बना रहा है अपना हाथों से। चलिए ब्लॉग पर बनी रहिए इस वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो चले चलते हैं घर में गाइस। ये आप देख सकते हो गाइस, सुबह सुबह मेरा पति से बना रहा है पोहा, और इसमें थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे सन्नी में, ताकि जो भी कचरा है वो निकल जाए। ऐसा ऐसा करके, और इसको पूरा जो भी कचरा है निकल चुका है। अभी हम यहाँ रखेंगे पानी को निकलने के लिए, पानी यहाँ रखेंगे तो पानी पूरा नीचे गिर जाएगा। मैं तो आज फर्स्ट टाइम खाऊंगी गाइस पोहा, मैं तो कभी भी नहीं खाया हूँ पोहा। अभी छोटा छोटा करके खत रहा है टमाटर, अभी इतना ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे टमाटर, क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये थोड़ा खट्टा ज़्यादा होता है, खट्टा हो जाएगा, इसलिए इतना ही हम ऐड करेंगे। और सुबह सुबह मेरा देवरानी पानी लेके आ रहा है गाइस, संभल के आओ फिर चल जाएगा। ये देखो, ये भी रख लिया है और ये रख रही है, और भी लेके आना है उधर में, क्लीन किया है बर्तन को, पूरा बारिश बारिश है हमारा इधर में गाइस, अभी भी हल्का हल्का दे रहा है बारिश। सो अभी पोहा वाश हो गया है, अभी छन्नी में रखा हुआ है, और यहाँ पे है किंग चिली, और यहाँ पे है प्याज काट रहा है छोटा छोटा करके। पति देव क्या क्या बना के खिलाता है हम लोगों को, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। अभी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, प्याज को आधा पकाएंगे, अभी हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर डालेंगे, और टमाटर डालने के बाद थोड़ा हल्दी डालेंगे, और थोड़ा मसाला डालेंगे, मसाला, और इसको थोड़ा भून देंगे। गाइस मूंगफली नहीं है हमारे पास, इसलिए हम काबुली चना थोड़ा डालते हैं, देखते हैं टेस्ट करके, हमारे पास मूंगफली नहीं है,
और पहले डालते हैं थोड़ा काबुली चना, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसको और थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा पकाएंगे और थोड़ा हम नमक भी डाल रहे हैं। नमक हरा वाला मिर्ची तो नहीं है, इसलिए हम थोड़ा इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर हो गया, अभी हम डालने वाला है, ये पूरा सूख गया है, अभी इसको हम पोहा को सिरू को डालेंगे। ये रहा सिरू, पोहा बना रहा है। अभी हम थोड़ा सा मीठा ऐड कर रहे हैं, अभी ये मेरे तरीके से बना रहा हूँ। कलर बढ़िया हो गया है, एकदम कलर आ चुका है। सब लोग का बनाने का पोहा अलग अलग तरीका है, ये मेरा फतेहदीप का तरीका से बना रहा है। थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोकल ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया हुआ है पोहा। अभी रेडी हो चुका है गाइस, अभी इसको निकालेंगे। अभी पोहा रेडी होकर खा रही हूँ। बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत टेस्टी हुआ है। गाइस आज फर्स्ट टाइम खा रही हूँ ऐसा वाला बनाया हुआ है। बहुत स्वादिष्ट टेस्टी। और यहाँ पे मेरा देवरानी खा रही है पोहा। कैसा हुआ है मेरा पति का हाथों का पोहा? बहुत टेस्टी है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम खाया है ना ऐसा वाला। हाँ। आज को हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं खाया है गाइस, सिर्फ पोहा खाया है ब्रेकफास्ट जो मेरा पति ने बनाया है। बहुत टेस्टी टेस्टी पोहा। तो गाइस पोहा खा के अभी हम लोग फिलहाल आ चुका है अपना सुपारी का बागान में। तो हम लोग का सुपारी बागान सब बंटवारा हो गया है, ससुर जी ने बाग कर दिया है 50% 50%। 3 बाई बया है मेरा पति देव और उसका छोटा बया और उसका बड़ा बया मेरा हस्बैंड का, तीनों लोगों का पूरा सेम सेम बाग कर दिया है बागान। देखो इसलिए अपना अपना बागान साफ करना चाहिए गाइस। और ये रहा हमारा बागान, देखो पूरा बंटवारा हो गया है गाइस, जायदाद जमीन जितना है सब बाग हो गया है। ये देखिए हमारा बागान प्रॉपर्टी सब बंटवारा हो गया है गाइस। और यहाँ पे मेरा पतिदेव भी आया है। क्या मधुमक्खी? इधर आ, इधर 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 आओ, इधर मधुमक्खी में सच में है क्या? उधर देखो। ओह माय गॉड, माय गॉड, वाओ, सच में आया। देखो ना दोस्तों इतना बड़ा मधुमक्खी देखो। ओ वाह भयानक, ये देखो वाह मधुमक्खी देखो दोस्तों। पूरा जंगल काटते पूरा अचानक से देख गया है हमारे बक्सी है ना। ए मधु ये इधर देखिए गाइस, काटते काटते थोड़ा के लिए बस गया। इधर मधुमक्खी पूरा बना लिया है, कब्जा कर लिया है हमारे जंगल को। बाप रे, देखने में भी पूरा खतरनाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा है। क्या करेंगे अभी? इसको शोर देते हैं, अभी बाद में इसको देख लेंगे, मधु को निकालेंगे और अभी रहने देते हैं क्योंकि बारिश दे रहा है, मधु ज़्यादा नहीं मिलेगा और बाद में धूप देने से आएंगे। गाइस ये जंगल को काटने के लिए नहीं सीखेगा क्योंकि मधुमक्खी है, अगर
खात लेगा तो पहले जैसा हो जाएगा मेरा। ये बोला लिप्स पहले में ना बहुत फुला हो गया था, उस पहले जैसा होना नहीं सो आइए आज नहीं खाते होंगे, ये जंगल दूसरा जगह में खाते होंगे ना। दूसरा जगह में खाते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। ये एरिया छोटा सा एरिया छोड़ देते हैं, फिर इसको बाद में खाएंगे। देखो गौर से देखो गाइस, थस्ती होगा मुडू, हमको तो खाने के लिए मन हो रहा था। अभी मधु उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, बारिश दे रहा है पूरा खाएगा। खाना खा रहा हूँ गाइस, ये है फिल्म का सपनी और ये है साना एंड आलू मिक्स करके मेरा देवरानी बनाया है, और ये है साग। सो दोस्तों अभी मैं फाइनली खाना खा के जा रही हूँ, अभी फिलहाल रेस्ट करके हमारे खेत में अभी आपको दिखाऊंगी ना खेती। फाइनली दोस्तों हमारे खेत में पहुँच चुके हूँ, ये देखो उधर है देवर जी और देवरानी काम कर रहा है, ये देखो पूरा सब यहाँ पर हमारे गांव का लोग खेती बाड़ी करता है, ये देखिए सब अपना अपना काम कर रहा है, ये देखो और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश भी गिर रहा है, बादल काला काला है, ये देखो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों मेरा देवराज जी देवरानी जैसा काम कर रहा है हमको भी ऐसा काम करना पड़ेगा, और दोस्तों अभी मैं काम करने जाऊंगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल पर आप नया हो तो वीडियो को अच्छी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखो बारिश दे रहा है, बारिश सीजन आ गया है ना, हम लोग बारिश का सीजन में धान लगाते हैं गाइस। ये देखो रस्सी लेके आई हूँ, इसको उठाना है धान को, दूसरा जगह में हम लोग यहाँ से लगाएंगे। और बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।